2 जनवरी 2018 वक्त 7:15 था। मैं गाड़ी चला रहा था और साथ में अम्मी बैठी थी मेरे, और मेरा शीशा सिर्फ इतना सा खुला हुआ था, इतना सा। ट्रैफिक जैम था, जमशेद क्वार्टर वाला रोड था, जमशेद क्वार्टर नाम सुन के हिल गया ना, जगह ही ऐसी है, क्या करने जाना वहीं से था हमें। ट्रैफिक जैम था, पोस्टर थी सामने, उसके पीछे हम, पोस्टर के बराबर में कॉन्स्टेबल, साइड से जो है एक बंदा आया, नॉक की, मैंने देखा तो जैकेट पहने हुए था और उसके गन यहाँ थी और ये रहे थे और हाथ एक इधर ही था, एक हाथ से उसने शीशे पे नॉक कर दिया पूरा, मोबाइल दो और वॉलेट दो। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि ऐसे बोलो वॉलेट और वॉलेट दे, मैंने तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, कहता क्या चाहते हैं, तो मैं तो 2-3 सेकंड से उसको देखता रहा। तो अम्मी ने बोला मोबाइल दो मोबाइल दो, मैंने उसको अपना iPhone 7 दिखा के दे दिया, मगर वो भाई साहब तब भी खड़े गए, कहा वॉलेट भी दो वॉलेट, फिर वॉलेट भी निकाल के दे दिया मैंने। मगर उसने अम्मी से कुछ नहीं मांगा, पता ही क्यों, क्योंकि अम्मी ने आयतन कुर्सी पड़ी हुई थी और मैंने नहीं। तो चलो चला गया मोबाइल और अम्मी का क्यों मोबाइल बच गया। आगे बढ़े, ट्रैफिक खुला, कांस्टेबल को बोला, उसने कहा भाई मैं क्या करूं, ट्रैफिक इतना था, बात भी सही है उसकी, चलो माना। थोड़ा आगे बढ़े थे तो अम्मी ने बोला बेवकूफ, बोल देते मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा अरे अम्मी आपने ही तो कहा था कि मोबाइल दे, तो मैंने दे दिया। तो चलो उसके वजह से भी गन थी तो हम बहाना तो मार नहीं सकते थे उसको। खैर जब मोबाइल जाता है ना दर्द बहुत होता है और टेंशन भी बहुत होती है कि क्या होगा, मगर टेंशन लेने का नहीं होता, सिर्फ देने का होता है। तो घर जब पहुंचे तो मैंने CPSC पे फोन किया और IME नंबर देख के अपना मोबाइल बंद करवा दिया और अब टेंशन मुझे नहीं है, टेंशन उस चोर को है कि अब वो ये मोबाइल बेचे तो किसको बेचे, करे तो क्या करे, क्योंकि मोबाइल बंद हो गया है, कोई नहीं खुलवा सकता जब तक मैं जाऊं।